देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में आपको सिखाया था घन घनाभ और बेलन। तो देखिए, आज भी हम बेलन के आपको प्रश्न कराते हैं। पहला प्रश्न है आपका आज का, किसी वृत्ताकार कुए का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, चारों में 40 प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इसके पृष्ठ पर प्लास्टर बनाने का व्यय। तो देखिए, कुआ एक बेलन की तरह होगा जिसका व्यास कितना है, व्यास का आपका 3.5 मीटर है, तो आपकी त्रिज्या कितनी होगी, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं, ये होगी आपकी 3.5/2 मीटर। आपको काटने की आवश्यकता नहीं, आप इसको एज इट इज रख दीजिए और उसकी ऊंचाई या गहराई बोल दीजिए आप एच, वह आपकी 10 मीटर। तो आंतरिक वृत्तपृष्ठ क्षेत्र कितना होगा, आंतरिक वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, हमने आंतरिक वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल कहा केवल वो आपका 2/8 होता है, अगर बोलते हैं संपूर्ण वृत्तपृष्ठ तो आपका प्रिंसिपल सूत्र आपका अलग होता है, तो ये आपका 2πRh। 2π की वैल्यू आप रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू को आपको 3.5/2 और एच की वैल्यू 10, इतने मीटर स्क्वायर ये है। अब देखिए, 2 से आपका 2 कैंसिल, 7 से काटिए 7×5 अब आप इसकी बना दीजिए या आप इसकी 10×5 कर दीजिए, आप 5 आएगा और 5 ही गुना फिर आप 1/22 दीजिए, या आपके आप पास आएगा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट था कि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसे प्लास्टर कराने का कितना व्यय होगा। तो आप देखेंगे, प्लास्टर कराने का व्यय कितना होगा, आपका जितना भी उसका वृत्तपृष्ठ होगा वो और आप दर से गुणा कर देंगे, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा दर। तो पृष्ठीय क्षेत्र आपका 110 और दर 40, तो आपका 4400 रुपये आएगा। ठीक है, अब देखिए, एक गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक यंत्र में 28 मिमी लंबी और 5 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप है, इस यंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो देखिए, उसकी लंबाई की है आपकी है 28 मीटर और उसका व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 5/2 सेंटीमीटर। लेकिन आपका ये मीटर में सेंटीमीटर में, तो आप इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से भाग करके कितने। ठीक है, अब हमें इसे क्या निकालना है, पानी गर्मी देने वाला, तो हम इसका निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पाइप का, यह आपका 2πr से निकले, 2π की वैल्यू आपकी 22/7, आर हो आपका 5/2 और बटे में फिर आपका 100 और एच आपका हुआ 28। क्लियर, आपको करना कुछ नहीं है,
पैरवी सूत्र में रख देंगे और पाइप पैरवी दे देंगे। अब देखिए सात से काटिए, सात चौको अट्ठाईस, दो से काटिए, ये हुआ। क्या बचा आपके पास? आपके पास पांच गुना से कीजिए, पांच दूनी दस और पांच दस ग्यारह गुना चार बटे सौ। आप इसकी गुना करेंगे, चार सौ चालीस हो जाएगा बटे सौ। आप दो सौ से भाग करेंगे, चार दशमलव चार जीरो मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा जो सौ ग्राम रखेगा। और आज वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर है आपका, याद कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बल टंकी का पार्श्व या वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। आप क्या है उसकी ऊंचाई है आपकी h 4.5 और उसका व्यास दिया है आपका 4.2। तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 4.2 बटे 2। ठीक है, अब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यही निकलेगा आपका, यही सूत्र है 2πRh। 2π का मान दिया आप 22/7, आर का मान कितना है 4.2/2 और एच आपकी 4.5। अब आप इसको सातिकम सात सात छीन चालीस दशमलव छह, ठीक है, फिर से काट दिया वही कम दो दशमलव। तो आपके पास हुआ दो गुना बाईस गुना दशमलव तीन गुना चार दशमलव पांच। देखिए गुना करने का भी एक तरीका होता है, आप क्या करोगे, पहले 4.5 गुना 3 में करोगे, इसमें करोगे, फिर 22 में करोगे, फिर इसमें करोगे। तो आपको गुना एग्जाम टाइम में ऐसी करनी चाहिए जो आसान हो और जल्दी हो जाए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 2 की आप इसमें गुना कीजिए, कितना हुआ 4.5 है, 4.5 का डबल 9 होता है, और इधर आप इसकी गुना इसमें कीजिए 6.6 आ जाएगा और गुना। अब 9 से आप गुणा कीजिए, 9 6 54 और 5 ये कितने मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट दिया है, इसी टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया। अब देखिए टंकी ये था आपका ऐसा, इस जैसे आपकी टंकी था, इसका गोल पोर्शन था। अब हमें निकालना है इसे बनाने में कितना इस्पात लगेगा। सवाल में आपके ये भी दिया है कि टंकी बंद है, यानी कि इसके ऊपर ढकना भी है और ये भी है, तो हमें इसे क्या निकालना है। अब हम इसका संपूर्ण वृत्तपृष्ठ निकालना है। यह था केवल इस पोर्शन का, ढक्कन और तली के विदाउट आपका क्षेत्रफल है। अब आपको ढक्कन और तली का भी निकालना है, तो आप लिखेंगे टंकी का संपूर्ण वृत्तपृष्ठ लिख दीजिए, या लिख दीजिए क्षेत्रफल, ये होता है आपका 2πRh। तो 2π की वैल्यू रखिए आप, आर है इसका मान रखिए, या अब देखिए आप दो दो से कट गया, ये 6.6 हो गया, ये होगा 22.6। अब आप इसे काटिए 2.1 आएगा, तो 2.1 प्लस 4.5, तो 22 गुना 2.6 गुना जोड़िए 6.6 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंक पूरा संपूर्ण प्रश्न आ चुका। अब देखिए सवाल में लिखा है किसका 1/12 भाग बनाने में व्यस्त हो जाता है, यानी कि जिस भी हमें चादर की या किसी भी
वन टंकी बनानी है, कटिंग मटिंग में उसका 1/12 भाग वेस्ट हो जाता है। और हमें बताना है कि उसमें कुल कितना वो इस्पात बनेगा। देखिए 1/ इस्पात नष्ट कितना होता है आपका 1/12। यूज कितना होता है भाई, 12 इस्पात था, 1 वेस्ट हो गया, तो यूज कितना हो रहा 11। 12 इस्पात था, 1 वेस्ट हो रहा आपका, तो यूज और आपका इस्पात यूज हो रहा आपका 11/12। ठीक है, अच्छा अब ये 11/12 यूज हो रहा और इसको बनाने में भी इतना लग रहा, तो आपका ये जो क्षेत्रफल है इसके बराबर होना चाहिए, तो इससे आपको लगेगा इस बार 2/6। या आप इसका से लिख लीजिए ये 11/12 इस बात यूज हो रहा है आपका, तो इसके बराबर आपका आ जाएगा ये 22.6×6.6। आपके पास इस्पात यूज होगा 22×6×6.6, आपका ये 12 में और 11 भाग में। ठीक है, अब 11×11=22 ये आपके हुआ 1.2×6×6×12। आप सब भी गुणा कर लीजिए, लेंगे 12 गुणा कर लीजिए, 12×6=72 हासिल को 7, 12×6=72 और 7 ये तो होता है। अब आप यहाँ पॉइंट लगाइए, फिर 12 गुणा कर लीजिए, 12×2=24 हासिल को 2, 12×108 और 2×10 110 हासिल को 11 हो गए, और 12×84 और 11×95 200 कितने बाद आएगी, 1 अंक 1 अंक 2 अंक बाद, तो इतने मीटर स्क्वायर। आज के लिए काफी, धन्यवाद।